मुझे मार खाते देखकर वो लोग कैसे हंस रहे हैं जरा देखो तो। हमारे साथ कॉमेडी कर रहा है, तुझे मारूंगा ना तो दर्द वहां होगा। ये क्या कर रहे हो भाई, आप सिर्फ मुझे धो रहे हो, उन्हें कुछ नहीं कर रहे, ये कैसा वसूल आपका? तू मुझे वसूल की बात सिखाएगा? अभी भी कुछ बाकी है। हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है, पकड़ो इसे। चलो नहीं ये तो फोटो है, ये भी फोटो है क्या? कोई तो मुझे सीधा कर दे। ए भाई मुझे जरा एक फाइट मार देना। लगता है पागल हो गया है। ए भाई तुम्हें तो सीधे ऊपर जाना चाहिए। क्यों? वो भी मैं ही बताऊं क्या? हमारे आपके सबके पसंदीदा शंकर जी का और विश्व के जाने माने राइटर श्री आर के नारायण जी का मालगुड़ी डेज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। उसी नाम से प्रेरित होकर ये मालगुड़ी टी स्टॉल पूरे शहर में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की चाय, यहाँ की चौपाल और पास में शांत तरीके से बहती हुई कावेरी नदी अद्भुत है। इस चौपाल में रोजाना सैकड़ों लोग बैठकर चाय पीते हुए अपने दिन भर की आप बीती एक दूसरे से बांटते हैं। उन लोगों के सपने, उनकी जिंदगी, ये कट्टा यानी चौपाल। हमारी इस कहानी के रूपांतरकार हैं शंकर नागर कट्टे। ये फिल्म शंकर नागर जी को समर्पित है। सुंदर कहाँ है? कहाँ है? ए चंदू। ए सुंदर। विवेकानंद की तरह यहाँ खड़ा होकर क्या सोच रहा है? तुम दोनों को आसमान से कोई फरिश्ता आकर लेकर जाए, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। कैसा लगेगा? हमेशा गलत सोचता है। और क्या करूँ, करेक्ट टाइम पर पेन में इंक और बॉडी में ड्रिंक डालनी चाहिए, ये बात सही है कि नहीं? लेकिन ये आवारा कुत्ता जानते हो ये क्या कह रहा है? तुम दोनों के आने तक बॉटल को छूना भी मत। क्यों यार? तेरी तो सर फोड़ दूंगा तेरा मैं। ए, ये सब मैं उधार पर लेकर आया हूँ, चलो जल्दी से 250 रुपए निकालो। ये ले, बाप की जेब से चुरा कर लाया। ये माँ के पास से चुराया।
क्या बात है, आज तो बराबर पैसे दे रहे हो। ए सुंदर तू भी दे दे। मुझे ये बता, न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर इन दोनों से चंदा लिया है ना? गुड आइडिया, वापस दे। अरे छोड़ो, रहने दो, चल तू उतना ही दे दे। तुम तीनों के 50 कम किए तो कितना हुआ? 150 रुपए। वो तू रख ले, बाकी का मुझे उधार। क्या वो ये सुधरेगा नहीं यार? क्या डायलॉग मारा यार। चल शुरू हो जा, इसका हमेशा का नाटक है, थोड़ा डालना। चीयर्स। के चौपाल में बैठने वालों को शुभकामनाएं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं। एक आम चोर, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता, उसे समझकर उसी तरह काम भी करना होता है। ये बात चंद्रशेखर को समझाओ। वो कौन है? अरे अरे अरे, तुम अपने पति चंद्रशेखर को भूल गई? मैं अपने पे भरोसा करके जी रहा हूँ और तुम उन पर भरोसा करके जी रही हो। अरे शैतान, माँ बाप के बारे में कोई ऐसी बातें करता है? मम्मी, बच्चे जवान हो तो उन्हें फ्रेंड समझना चाहिए। इतनी सी बात बार बार समझाना पड़ेगा क्या? महाशय, हेलो, अब यही रह गया है क्या? ये लो पकड़ो, इस फॉर्म को फिल अप कर दो। ये क्या है पापा? रेलवे में गार्ड की नौकरी के लिए मैंने तुम्हारे लिए सोर्स लगाया है। हफ्ते 10 दिनों में ऑर्डर आ जाएगा और तुम्हें रेलवे में नौकरी मिल जाएगी। जिम्मेदार आदमी बन जाओगे तुम। ये ठीक रहेगा बेटा। तुम जैसे मिडिल क्लास की मेंटेलिटी बस इतनी ही है। दिन भर गधा मजूरी करके पगार उठाते हो और उसे पूरा खर्च कर देते हो, और जब बच्चा आपसे जेब खर्च मांगता है तो कहते हो कहाँ से लाऊं। अगले महीने की पेमेंट आने तक भिखारी की तरह इंतजार करते रहते हो। इंसान को हमेशा अपनी सोच को ऊंचा रखना चाहिए, तो अभी लाइफ स्टाइल ऊंची होती है। पापा, मैं एक बार रेलवे का मिनिस्टर तो बन जाऊंगा, लेकिन आपकी तरह गुलामी नहीं करूंगा। मुझे कहीं जाना है। तो तुम जाओ ना। ये गाड़ी और बॉडी तभी मूव करेंगे जब मुझे तुमसे पॉकेट मनी मिलेगा। तुम जैसा बेशर्म और कोई नहीं है। वो तो पता चल गया था फर्स्ट नाइट में ही, अब वो भी नहीं हो रहा। सबसे पहले कहीं नौकरी ढूंढो। मेरे सारे फ्रेंड्स यही कहते हैं, शादी हुए 3 साल हो गए, अभी तक बाप क्यों नहीं बना? पहली प्रायोरिटी वही होगी। तुझ में वो मर्दानगी है? कैसे हुआ हमारा दामाद जी? सलाम वालेकुम। पूरा गांव भटकने के बाद रात को इस लाइट पोल के नीचे कुत्ते के जैसा पड़ा रहता है। जी, आप भी ना, इनकी इज्जत करने के बजाय बेटी के साथ मिलकर इनकी इज्जत उतारते हैं। ये दामाद के नाम पे कलंक है। सुन लिया आपने, घर जमाई को कैसे इज्जत मिलती है? इस बात का सबूत ये शौहर सुंदर है। इज्जत पाने के लिए मर्द बनना पड़ता है। जेब में पैसा नहीं, शरीर में मर्दानगी नहीं, खाली मुँह से फायदा नहीं। डार्लिंग, पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मर्दानगी तो ऊपर वाले की नेमत है। अब बताओ क्या करूँ मैं? पहले तुम यहाँ से दफा हो जाओ। माँ, माँ भूख लगी है। इंडियन लॉ, भारतीय कानून के हिसाब से जिसे इज्जत की जरा सी भी फिक्र हो उसे फोकट की रोटी नहीं खाना चाहिए। कोई बात नहीं, खाना नहीं चाहिए, नाश्ते में क्या बनाया है माँ? कैसा मनहूस बेटा पैदा हुआ है। आपने ही तो पैदा किया है। वही तो, पैदा करके गलती की, इसीलिए तुझे फोकट की रोटी खिला खिलाना ही पड़ेगा। कानून के हिसाब से पिता की जायदाद बेटे की होती है। ये किसने कहा? पुरखों ने। हिंदू एक्ट सेक्शन 6(1) में क्या लिखा है पता है? बाप की दौलत पोते पोतियों को मिलेगी। समझ गया? आपकी इंग्लिश और आपका कानून, अगर कुछ पता हो तो ही बात करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए, समझे? इडियट, नॉनसेंस। आपको कौन सा सेंस है? माँ खाना दे दो। तुम दोनों के ये झगड़े मैं तो सुन सुनकर थक गई। ये तुम्हारे पति को समझाओ। लाइ, वो नहीं चाहिए। कुत्ते के अंदर भी थोड़ी इंसानियत होगी, और तेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया मेरी प्यारी डॉटर ने। थैंक यू। ओ मूर्ति जी, जिस दिन मैं बड़ा पॉलिटिशियन बना ना, सबसे पहले आपको अरेस्ट करवाऊंगा। हट जाओ। ये चंदू भाई साहब और नाग भाई साहब पता है दूसरे को क्यों घूर रहे हैं? 20 साल से ये दोनों आत्मा से जुड़े हुए दोस्त कहलाते थे, लेकिन आज सांप और नेवले के जैसे इनकी दुश्मनी है। चंदू से नाग बिगड़ेगा ये समझ के उसका बाप, नाग से चंदू बिगड़ेगा ये सोच के उसका बाप। दोनों बच्चों को अलग करने के लिए इनकी कोशिश जारी है, लेकिन बच्चों की एक ही प्लानिंग से ये दोनों सांप और नेवले की तरह बन गए। एक बात सुन लो, तुम्हारे बेटे के साथ रहकर मेरा बेटा बिगड़ रहा है। मैं भी वही कह रहा हूँ।
तरबूजे के साथ तरबूजा भी रंग बदलता है। अपने बेटे से बोलो कि वो मेरे बेटे से दूर रहा करे। अरे जाना, तेरे जैसे बहुत देखे। अरे जाना, जाना, रास्ते जा... में तू खड़ा है। ए रवि। हाँ। मेरे घर के आसपास कोई गहरा कुआं है क्या? क्यों? मैं सोच रहा हूँ अपने माँ बाप को उसी में धकेल दूँ। ए, मेरा भी वही प्लान है, समझा? बहुत अच्छी बात है। ए, जल्दी दो चाय दे। पहले पैसा दो। छप रहा है, दे दूंगा। पैसा? पैसा दोगे तो ही मिलेगा। इससे पहले दिए है क्या? नहीं। तो फिर क्यों मांग रहे हो? उधार बंद। बंद? ए रवि, हाँ? इसका लाइसेंस कैंसिल करा दो। हाँ, 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 वो म्युनिसिपैलिटी का नंबर क्या है? बोल। 42848। ठीक है दे रहा हूँ। इससे पहले कभी पैसे मांगे क्या? जल्दी ला। देख, तेरे यहाँ चाय पीते हैं, कभी पैसा दिया है क्या? अगर दोबारा पैसा मांगा ना तो तेरी दुकान हटवा दूंगा। तुम लोगों की नौटंकी तो बढ़ती जा रही है। ए बेकार में फालतू बातें मत कर, चल यहाँ से। अरे यार, आजकल मैं घूम फिर भी नहीं सकता, जिधर जाओ पैसा पैसा पैसा। अरे उधार लिए चुका दूंगा। सही बोला। अरे यार, एक जमाई का ये हाल है तो औरों का क्या होगा? समझते नहीं है यार लोग। अरे दूसरों की बात हम क्यों करें यार, हमारे घर वाले हमें भिखारी की तरह समझते हैं, समझा? तू ऐसी बातें क्यों बर्दाश्त करता है? कहीं पत्थर की मूर्ति बनकर बैठ जा, लोग तेरी पूजा करेंगे। ए, भगवान भी पैसे वालों की ही सुनता है। ए, सुंदर, आज नहीं तो कल तो हमारे अच्छे दिन आएंगे ही, तब तक हमें इंतजार करना होगा। इस बार के इलेक्शन में ना हम बता देंगे कि हम कौन हैं। यार इलेक्शन तो आ ही जाएगा, पर तुम क्या इलेक्शन जीत पाओगे? एकदम सही था। ए सुंदर, देख कौन लावारिस औलाद मुझे फोन कर रहा है, उससे कह दे कि मैं थोड़ा बिजी हूँ। चल फोन उठा। हेलो, भक्ति प्रकाश, तुम? अबे इसे भी कोई काम धंधा नहीं है और तू भी बेकार है, फोन करके टाइम पास मत कर, चल फोन रख। मेरे पास काम नहीं है? मैं काम नहीं कर रहा हूँ। ये चंदू, हाल ही में तुम्हारे घर के 3, मेरे घर के 4, इसके घर के 1, एक इसके घर का और एक इसके घर का, इतने वोट तुम्हारे पक्के हैं ना? अब घर वाले छोड़, रास्ते में चलने वाले भी हमसे बात नहीं करते, वो कहाँ से वोट देंगे? सुन, तेरा और मेरा ये 2 वोट ही मिलने वाले हैं। अरे ऐसी बात मत कर यार। देख, हमें किसी भी तरह से 1 को 9 करना है, 9 को 90 करना है, 90 को 9000 में कन्वर्ट करके इस वोट से हमें जीतना है। क्या कर रहा है? एमएलए का फोन है। ए, इधर ला। एमएलए का फोन? भाई बोलिए भाई। कल शाम को पार्टी की मीटिंग है, 5000 लोगों की भीड़ चाहिए। जी भाई, हम आ जाएंगे। भद्रा भाई ने हमें बुलाया है, चलो चलते हैं। चल आ जा। क्या बात है यार, बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, कुछ खास बात चल रही है। चल उधर। भाई नमस्ते। नमस्ते भाई। देखो, कल शाम को पार्टी की मीटिंग है, कम से कम 5000 लोग चाहिए, सबको 3000 कैश और 1 क्वार्टर। ठीक है भाई, अब जो कहेंगे हो जाएगा। भाई सच बोल रहे हो ना? कोई बात नहीं, दे देंगे। लो भाई आ गए। भाई की जय। 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 क्या बात है देवीश्री, इधर आ जाओ। आप कैसे हैं सर? आपने मुझे पहचान लिया सर? क्यों नहीं, आपकी सिफारिश की वजह से मुझे नौकरी मिल गई। वेरी गुड, वेरी गुड। जाओ। क्या रे शैतान, तेरा लफड़ा क्या है, जब देखो हाथ में पत्थर लेके आ जाता है। पत्थर लेकर इसलिए आता हूँ ताकि आपका दिल पिघल जाए। क्या मतलब? मतलब इसके उद्घाटन में आऊंगा कहकर आपको 7 साल हो गए हैं, पर आप आज तक नहीं आए। तो वो शौचालय को यूज नहीं कर रहा है क्या? बहुत सारे लोग आते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं, सारे गाँव के लोग आपसे नाराज हैं। क्या साफ सफाई के लिए? सफाई हम रोज कर रहे हैं, आप बस वहाँ कर उद्घाटन कर दो। भद्रा जी भाई, डायरी देख करके इसे आने की डेट भेज देना। अब डेट मत खेलो, पक्का मुझे बताओ। ए, अगले महीने इलेक्शन आ रहा है ना, किसके पास इतना टाइम है, जाए यहाँ से। पक्का होगे ना? अरे आ जाऊंगा, दिमाग मत खाना। जा। भाई की जय। भाई की जय। पार्टी ने आपको जिले का अध्यक्ष चुना है। हाँ। मैं धन्य हूँ जो इस गांव में पैदा हुआ, साथ में भाई का सपोर्ट लेकर दाल खिचड़ी खाकर जीवन गुजारने में क्या मजा है। ए, मुझे पूरे स्टेट का अध्यक्ष बनना है। जब भाई का सपोर्ट आपके पास है तो राज्य की जनता भी आपके साथ है। और नहीं तो क्या? हाँ। अच्छा चढ़ाते हो पेड़ पे, राजनीति आ गई तुम्हें भी है। अरे क्या बात कर रहा है यार तू, सच में कहा जा रहा है, कुछ हो गया क्या? ये मेरा कहा नहीं मानता, उसके लिए इस घर में जगह नहीं है, निकल जाए यहाँ से। असली बात क्या वो बता। मैं इस घर का राजा, जल्दी सुन मेरी रानी। क्या हुआ? अपने ग्रेट सन को यानी हमारे लड़के को देखने कोई आ रहा है। हा? लड़का देखने? यार कोई लड़का देखने आता है क्या? मैं देखने वाला हूँ। सही में?
इसीलिए लड़की को नापसंद कर दिया। दहेज लेने वाले फेस कट थोड़ी ही देखते हैं। दहेज ले रहे हैं? यस, 7 लाख का दहेज, 50 ग्राम सोना, भाग दौड़ करने के लिए बाइक और शादी का खर्चा भी वही उठाएंगे। मैं 1 लाख रुपए एडवांस ले चुका हूँ। एडवांस ले चुके हैं? 101%। इसलिए घर छोड़ के जा रहा हूँ। अकल के अंधे, 7 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अरे यार, हमारा लक्ष्य बड़ा है या पैसा बड़ा? पैसा बड़ा है। अरे तेरी तो जो मुंह में आए वो बकरा है, छोटी सी बात का बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया। देखिए, मैं किसी भी सूरत में ये शादी नहीं करूंगा। अगर शादी नहीं करनी तो 18,63,875 रुपए और 60 पैसे यहाँ पर रख और उसके बाद ये जगह खाली ये कर। सब सुनने के बाद मेरे दिल को बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरे पिताजी के दिल में क्या है वो भी पता चल गया। देख, तू पैदा हुआ था 1986 में दिसंबर 16 तारीख को संडे सुबह 6:35 पर। उस वक्त से आज तक तेरे पीछे जितने भी रुपए खर्च किए हैं उसका हिसाब इस डायरी में लिखा है। इन सारे पैसों की वापसी के लिए तुझे मेरा कहना मानना होगा, नहीं तो गेट लॉस, चला जाए यहाँ से। मूर्ति, व्हाट इज दिस यार? अपनी बकवास बंद कर और निकल यहाँ से। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। मुझे भी, ऐसा भी कोई बाप होता है क्या? मुझे बाप पर अफसोस नहीं हो रहा, तो फिर? इस पर ताज्जुब हो रहा है। लगता है इसने लाज शर्म हया सब कुछ बेचकर खा ली है। ए चंदू, तेरी फैमिली बहुत ही मिरेकल है यार। अरे सोसाइटी में मेरी इज्जत है यार। हाँ, तो अपना स्टेटस को अपनी जेब में, नहीं नहीं नहीं, किसी डिब्बे में बंद करके रख ले। वैसे अब तू कहाँ रहेगा? यहाँ तो कोई हॉस्टल भी नहीं है। तेरे रूम में? क्या? चंदू, अभी तक तूने मुझे अपनी कहानी सुनाई, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाऊं क्या? अबे कल्लो के औलाद, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तुझे झूठ लग रहा है क्या? कहानी तो समझ ले। मेरे पास एक गजल है, तुझे सुनाऊं क्या? वही बोरिंग कहानी है क्या? मुझे भी यही लगता है। नहीं प्यारे, जब मैं बादलों के पार सैर कर रहा था तो मैंने नीचे झांका, नहीं हूँ, मेरा भी एक नाम है, नागेश्वर चौबे। तुम फिर से वहां खड़े होकर मेरे नाम से बुलाओ। जाओ। नागू, नागू। क्या है सफेद तोती? जरा ये शटर ओपन कर दोगे? हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? पापा। कौन सा पा? पापा। आ? मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बेबी बेबी कहकर पुकारते हैं। पता है तुम्हारा नाम की एक फिल्म है? कौन सी फिल्म? पापा चाहिए क्या पापा? हीरो कौन है? हीरो कोई मैटर नहीं है, मैटर ही हीरो है। सीडी चाहिए क्या? नहीं, शटर ओपन करने के लिए थैंक्स। माय ड्रीम गर्ल, उसके बाद फिर वो टकराई। सम
संभल जा, उस पर ध्यान मत दे। पेट्रोल नहीं है क्या? नहीं, विराट से लफड़ा चल रहा है ना, उसी का इफेक्ट है। तुम वहाँ होते तो हाथ में गन लेकर जंग लड़कर बचा लेते। किसे? कुए को। लिफ्ट चाहिए? लिफ्ट नहीं रे बाबा, पहले लिफ्ट दोगी फिर तुम लेटर दोगी, उसके बाद वैलेंटाइन डे के दिन तुम गिफ्ट दोगी, उसके बाद तुम दिल मांगोगी। दे दिया तो लड़के को बिगाड़ करके बर्बाद करके कहीं का नहीं छोड़ोगी। अरे मैंने सोचा था तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूंगी। नहीं चाहिए तो जाओ। सूरज देखिए दिल की बात करता है। हेलो हेलो हेलो, क्यों दिल तोड़ रही हो? हेलो, आगे देख कर गाड़ी चलाओ, कहीं गिर गई तो ऊपर नीचे हो सकता है। तुम डरो मत, मैं तुम्हें गिराऊंगी नहीं। नहीं गिराओगी, एक बार जोर से भगा कर देखो तो। अरे अरे बेचारा। बेचारा नहीं शराब हूँ, औरों के लिए समझी। कितने लीटर मैडम? हाँ भाई साहब, 100 का पेट्रोल डाल दो और पैसे छोटे भाई से ले लो। ठीक है मैडम। छोटा भाई, इससे अच्छा तो मैं गाड़ी को धक्के मार कर लाता। इस 100 रुपए के लिए मैंने कितनी मेहनत की है ये मुझे ही पता है। कैसे तू? ए, क्यों बड़बड़ा रहे हो? वापस दे दूंगी। मेरा 100 रुपया लड़की को दिया हुआ और गहरे कुएं में डाला हुआ पैसा कभी वापस नहीं मिलता। ओहो, ऐसा क्या? हाँ। नहीं मिला? मैं चलो। थैंक यू बॉस। पैसा? पैसा? हाँ। इतनी देर तक तुम उस लड़की को देखकर लाइन मारते रहे, उसी में ही बराबर हो गया सारा। लड़की ने कहा कि आप देंगे पैसे। उसमें से एक ने खून किया, दूसरे ने लव किया, इन दोनों में से कौन जीतेगा? लव करने वाला। रॉन्ग आंसर है ये। जिसने खून किया वो बचेगा, जिसने प्यार किया वो बेमौत मारा जाएगा। तू दोस्ती के लायक ही नहीं है। ए चंदू, हम दोनों प्यार नहीं कर सकते, अगर प्यार करेंगे तो दोस्ती टूट जाएगी, ऐसा तूने ही कहा था ना। बोल। वो क्या है यार, तूने तो कहा था कि हमारे लिए वोट अहम है, इसलिए वो हमारे लिए वोट ही है। जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे वोट तो देगी और उसके सगे संबंधी भी वोट देंगे मुझे। तू भी प्यार कर लेना। ए, पता है ना मेरे पीछे कितनी लड़कियां पड़ी है। तेरी वजह से मैंने उनको ठुकरा दिया है। ए, सुंदर, इसकी कॉमेडी सुन क्या कह रहा है। वो एड्रेस पूछने आती है और ये समझता है कि उससे प्यार करती है। क्या हुआ? रोज गुस्से में लाल पीला होता रहता है, आज गुमसुम यहाँ बैठा हुआ है। सुनो मम्मी। क्या है? ना तुम मुझसे सवाल पूछो ना ही मैं तुम्हें जवाब दूंगा, दोनों मुझे ही पसंद नहीं है। चुप जाओ, अंदर जाओ। मुझा। क्या है जी? लो मिठाई खाओ। क्यों जी, किस खुशी में मिठाई लेकर आए हैं? अरे पहले मिठाई खाओ फिर बताता हूँ। लो बेटा मिठाई खाओ, खाओ ना। यहाँ मेरा कलेजा चल रहा है। अरे मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। चुपचाप जाइए। ठीक है, जाता हूँ। हेलो, मिठाई देकर तो जाइए। हेलो, सुनो अंबुजा, हमारी वर्षों की तमन्ना। क्या है जी, क्या कह रहे हैं? तू अंदर चल, सारी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं ड्यूटी खत्म करके आ रहा था, देखा ये और चंदू आपस में लड़ रहे थे। चंदू, अरे अपना हाथ क्या कर रहा है? ठीक नहीं होगा। अरे चंदू हाथ उठा। याद रखना। अरे तू चलना, मेरे साथ चल। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दोबारा मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। इन दोनों की दोस्ती अब खत्म हो चुकी है।
अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। शुक्र है। चलो खाना दो, भूख लगी है। अरे कोई नया काम मिल गया क्या? अरे नहीं यार। चलो अच्छा हुआ, अगर तुझे काम मिल जाता ना तो तेरा नाम लेकर मेरा ससुर 10 जूता मारता मुझे। अरे खुशी के समय मनुष्य बातें क्यों कर रहा है यार, अभी तो मंदिर से जाके आ रहा हूँ। ओए बंदर, ज्यादा फेंक मत ना, मुझे पता है तेरी इससे दोस्ती टूट गई है इसलिए तू मंदिर गया था। अबे तेरी तो दोस्ती टूटने के बाद ही सब पता चलता है। मैंने भगवान से मांगा है कि मुझे नहीं तो इसे बुद्धि दे दे। अब मेरी बात का यकीन करो दोस्तों, मैंने यही बात भगवान से मांगी है बस। सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये लो बेटी प्रसाद। ये क्या कर रही हो, पुजारी को आंख मार रही हो? मेरा दिल किया तो मैंने मार दिया, आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं क्या करूं? मेरा नाम पूछिए। चलो अब बता ही दो। डेंजर शांति। क्या कहा? सिर्फ शांति। नक्षत्र दिखाई नहीं दे रहा। तुम तो कुछ ज्यादा ही होशियार दिखती हो। करेक्ट, मेरी माँ भी यही कहती है। जाइए, अब जाकर पूजा कीजिए, ये लीजिए। तू क्या है बेटा? वो क्या है कि भक्ति में बहकर मैंने 500 रुपए की नोट डाल दी, मुझे वो वापस चाहिए। तुमने भक्ति में आरती की थाली में जो पैसा डाला है वो भगवान का चढ़ावा है, जाओ। अरे पंडित जी, 5 रुपए ले लो, बाकी के पैसे वापस दे दो। अरे उसे मैंने दान पेटी में डाल दिया, मैं कुछ चलो नहीं कर 50 सकता। रख लो यार, 450 दे दो। नो चांस, मेरा हाथ छोड़ो। पंडित जी मेरी बात तो सुनो। कैसे पंडित जी? अरे यार 450 रख लो, 50 तो दे दो यार, काम है पैसे का। मैंने क्या सोचा था तुम क्या निकले, ही बड़ी लोग हैं। ये लो इतना ही चिल्लर बचा है। अरे सुनो सुनो, नहीं चाहिए तो भी डाल दो। गोविंदा गोविंदा। लाल टपका क्यों रहे हो? तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, तो इसमें लाल टपकाने वाली बात क्या? हेलो, इसका मतलब यही है। वैसे मैं कैसी दिख रही हूँ? वैसे तो बहुत खड़ूस लग रही हो। सिर्फ दिखने में? नहीं, सच कहूँ तो तुम बहुत अच्छी हो। वैसे मुझे देखकर तुम्हारे जैसे बहुत से लोग लाल टपकाते हैं, उसमें फर्स्ट रैंक तुम्हें। एक दूसरे की चप्पल बदल गई और तुझे पता भी नहीं चला, मतलब आपस में डीप लव चल रहा है। एक पैर में लड़की का चप्पल, दूसरे में मर्द का। ए, अबे क्या मतलब है? एक चप्पल तेरे लिए लॉस है, दूसरा चप्पल प्राइस ए, है। लोग फैमिली से पीछा छुड़ाकर बैचलर बनना चाहते हैं और तू एक बैचलर को फैमिली वाला बनाना चाहता है। अरे अब ऊपर वाले ने तुम दोनों को इंट्रोड्यूस तो करवाई दिया है, जाकर माला पहना दो। ए सुंदर, अरे भूखा कटार बनकर और चुप रहे। देख मेरे भाई, मैंने तुझ पे हाथ उठाया उसके लिए
मुझे माफ कर देना यार। वाह 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 प्यारे, वो कौन थी? ये न कोई जाने, क्या गाना है उसका, नाम तो बता दे तू। जाने वो क्यों मुझे अपनी ओर खींच रही अरे है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे दिल की आग भड़क चुकी है, मैं भी कुछ सुनाऊं क्या? अच्छा तो पहले मेरी पीठ थपथपाओ। जाकर रेलवे ट्रैक पर सो जा, ट्रेन तुझे थपथपा देगी। एक बात बता, पॉलिटिशियन बनने के बाद मैं जेल जाऊंगा ये तो गारंटी है, लेकिन मैं इससे पहले ही चला गया। यही तो प्यार है यार। चंदू हाँ? मुझे एमएलए जी से थोड़ा काम है, मैं जाकर आता हूँ, तू इसे पकड़। ए, बालों में फूल लगाना, कान में मत डाल देना। हाँ देख यार, तुझे वो पसंद नहीं तो बोल, मैं उसकी सूरत नहीं देखूंगा। तू उसका चेहरा देखेगा या कुछ और देखेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिस लड़की को तूने देखा है पहले उसे मुझे दिखा, तभी मैं उसका चरित्र बताऊंगा। चल दोनों चलते हैं। चलना चल, हम दोनों माँ बाप की बातें करो। उधर क्यों घूर जा रहा है? ए सुंदर, मेरी वाली कैसी है? दिखने में तो सूरजमुखी जैसी है, तेरी जिंदगी तो बन गई दोस्त। यस। सबसे पहले उसके बाप को जाकर थैंक्स बोल। यस। ये पर्चा। क्या ये, क्या ये नौकरी का पर्चा है? क्या लिखा हुआ है? जो फालतू बता रहा है उसको दो। चला। एक्सक्यूज मी, क्या है इसकी? 25 जेरोक्स कर दो। ये पागल यहाँ क्या कर रहा है? तो उसने ये धंधा भी शुरू कर दिया। जो दूध की उम्मीद रखते हैं वो भैंस को घूरने से नहीं मिल जाएगा। ऐसा करते हुए शर्म भी नहीं आती लोगों को। गुड डायलॉग। अरे इसे फेंक क्यों दिया? जेरॉक्स मशीन खराब हो गई है। खराब हो सकती है, दिमाग खराब होता है, सेहत खराब होती है, दिल खराब हो सकता है, तो मशीन क्यों नहीं खराब हो सकती है? क्या बनाया है आज? कितना भी समझाऊं आप तो नहीं समझेंगे। कुछ उल्टा सीधा कर ले, इससे पहले अपने बेटे को समझा लीजिए आप। क्या समझाऊं? उसे समझाना मतलब अपनी बेइज्जती करवाना। मैं नहीं करवाना चाहता अपनी बेइज्जती। कुछ लोगों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती, मुहावरा सुना है ना, उसका भी वही हाल है। सुनिए चंद्रू जी, मुझे कोई नहीं बिगाड़ सकता। हाँ मेरे बाप, तुझे कोई नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तू सबसे गया गुजरा है। खराब कर दिया। अरे क्या हो गया आपको? पानी पीजिए। सर एक बात बताता हूँ, भगवान के लिए बुरा मत मानिएगा। बोलो। अब आपकी 2 साल की सर्विस बची है, वैसे भी आपकी सेहत ठीक नहीं रहती, तो आप वीआरएस लेके घर पे आराम क्यों नहीं करते? अगर मैं वीआरएस लेकर घर बैठ जाऊं तो वो पैसे 3 दिन में खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद मेरा बेटा जो दिन भर चौपाल में बैठकर बकवास करता रहता है, काम धाम करता नहीं, भीख मांगनी पड़ जाएगी। बात कर रहे हैं, खाओ खाओ खाना खाओ। बात तो सही है सर, आपके पास एक जवान बेटा है सर, मैंने भी अपने बेटे को बहुत लाडों से पाला था, लेकिन उसने उसकी कीमत नहीं समझी, इसलिए आज ये भोग रहा हूँ। हाय रे मेरी किस्मत। ए नागा, गूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब चुप रहो। अरे भाई साहब मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, मेरी माँ अस्पताल में एडमिट है भाई साहब। अरे टेंशन क्यों ले रहा है, हम लोग है ना। ये ले 100 रुपए में क्या होगा भाई साहब? ये ले, ये भी रख, ये भी बहुत कम है, ये बहुत कम पैसे है। मोबाइल बेच दे। ये ले, ये मेरी घड़ी ले। घबराओ मत बेटा, बिल्कुल मत घबराओ, हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले गए हो ना, ये लो, ये 500 रुपए, इसे रख। धन्यवाद भाई साहब, ये ले लीजिए मेरी तरफ से। थैंक यू, थैंक यू। अरे जा जा जल्दी जा, मां को लेकर जा। जा यार, जा। बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत बहुत। तुम तीनों को देखकर ऐसा लगता है तुम लोग जीवन में बहुत बड़ा काम करोगे। वैसे तुम लोग करते क्या हो? हम लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। पॉलिटिक्स? तुम लोगों को देखकर राजा हरिश्चंद्र, वीर कर्ण और कृष्ण, इन लोगों की याद आ जाती है मुझे। सर
अचानक जो आपने कहा, अगर वो सच हुआ तो हमारे हिस्से का, आप ही हमारे कुल देवता बनेंगे सर। हॉस्पिटल चलकर उसकी माँ की तबीयत का पता करते हैं। हॉस्पिटल में मुझे वहाँ बिल भरने जाना है। अबे चुप, चला बहाना मत कर, पैसे दे। 25 वोल्ट की तो गारंटी है। प्लान मेरा था, मुझे भुगतना पड़ रहा है। कितना झोल करेगा डॉक्टर के पैसे का? अरे भाई साहब, मुझे हॉस्पिटल का बिल भरना है। हॉस्पिटल का बिल हम क्यों भरेंगे? चल पैसे निकाल, पैसे निकाल, ये ले। अरे भाई नाबू, वो देख तेरी माँ। जैसे लोगों की संगत में रहेगा वैसे ही आदतें सीखेगा। किस्मत। अरे मेरी माँ हमेशा ऐसी कॉमेडी करती है। अरे कौवा भी अपने आप को हंस समझता है। पहले बताओ इस पैसे का क्या करना है? हम इसका कुछ नहीं करेंगे, मणि अंकल को दे देंगे। टॉनिक खरीदने के लिए या कर्जा चुकाने के लिए? वो अंकल डिसाइड करेंगे। चलो चलते हैं, लेट्स गो। ज्यादा बात मत कर, अपना चाल चाल समझ गया? हाँ चल रहा हूँ ना, चल रहा हूँ। अरे यार, आज ही अमिताभ बच्चन के स्टाइल में ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा बैठ। बात क्या है, कल तक तो बिल्कुल ठीक था, अभी क्या हो गया यहाँ आते आते? अरे क्या बताओ सुंदर, अरे यार कुछ लोग मुझे उठाकर लेके गए और पिछवाड़े में सुई घुसा दी। सुई देख अंदर है क्या? एक बार बच्चे के अंदर रह गई थी, उसकी मौत हो गई थी। अबे मजाक बंद कर यार। ये बता, तू हॉस्पिटल क्यों गया था? मैं कहाँ गया था, मेरे नसीब ने मुझे फंसाया और मुझे वहाँ पर ले गया यार। चंदू, तेरी वाली तो नर्स निकली। यहाँ क्यों खड़े हो, जाकर बैठ जाओ ना। कोई बात नहीं, ये हॉस्पिटल है, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। जाओ जाकर बैठ जाओ। हाँ। चंदू मेरे भाई, जिन्होंने टोकन नहीं लिया है वो आकर पहले ले ले। नर्स भी नहीं है, टोकन बांटने वाली का मर्द बनना पड़ेगा। चंदू तेरे बारे में क्या बोलूं यार। हेलो, तुम भी आकर टोकन ले लो प्लीज। नाइन, दूसरा नंबर दो। तुम्हारा नंबर नाइन क्या? है तुम नाइन्थ नंबर पर आए हो यहाँ, जाओ जाकर बैठ जाओ। छोड़, मैं इसे छह कर देता हूँ। टोकन नंबर वन चाहिए, रूम नंबर थ्री। नंबर एट आप जाइए, नंबर नाइन आप जाइए। बैठ जाओ। थैंक यू। क्या परेशानी है? बुखार है। कैसा बुखार है? एक तरह का बुखार है। कितने दिनों से है? वो कल सुबह 11:30 पर शुरू हुआ सर। अच्छा, नाम क्या है? चंदू। उम्र? शादी की उम्र है सर। तीन दिनों की दवाइयाँ लिख रहा हूँ, टाइम टाइम पे ले लेना, सब ठीक हो जाएगा। सर क्या हुआ? मैं यहाँ हूँ सर। हाँ पता है। सर ये टैबलेट्स खाने से पहले दो और खाने के बाद दो खाना है।
तुमने तो सही अंदाजा कैसे लगाया? तुम जैसे डॉक्टर इसके सिवा और दे भी कह सकते हैं सर। शिल्पा, यस सर, इसको डबल डोज का इंजेक्शन लगा। ओके सर। सर अबे भैंस का इंजेक्शन लगा दिया और 100 रुपया भी ले लिया। अच्छा खासा था, बुखार हो गया है मुझे। ए, अच्छा ये बता, उसके एरिया का पता लगा लिया क्या? अरे उसके एरिया का पता कैसे लगाऊंगा, उससे पहले उसने मेरी वाट लगा दी। लेकिन उसके ड्यूटी का टाइम 9 बजे का है, ये पता चल गया। मोस्टली डॉक्टर ऐसे टाइम पर, मेरा मतलब है ओवर टाइम करने के लिए कहते हैं। वो क्या है ना नागू, जब भी उसे याद करता हूँ दिल में धमाका हो जाता है। उसे भी ऐसा ही होता होगा ना। ए चंदू, ये सारी लड़कियां ट्यूबलाइट के जैसे होती हैं, ऑन होती हैं लेट, इसलिए तुझे इंतजार करना होगा। इंतजार करूंगा यार, फुटपाथ पे बैठ के इंतजार करूंगा। अरे यार, इस डॉक्टर को सुई लगाने के लिए मैं ही मिला था क्या? अबे चल जा। अबे निकल यहाँ से। अबे तेरी तो निकल बोला ना, निकल यहाँ से। हेलो, हाँ जानू, मेरे बाप का एक सपना है, वो कहते हैं शादी कर ले और मुझे पोता दे दे, लेकिन उनकी दिखाई गई कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं आती यार। अरे वो दिखने में, बात करने में, चलने में करोड़पति नहीं होगी ना तो भी चलेगी यार। अरे पैसे वैसे के लिए शादी नहीं कराओ यार, बस मुझे अपनी पसंद की लड़की चाहिए। हाँ नहीं मिलेगी? अरे मिल गई है यार, मेरे सामने चल रही है वो। आजकल फोन सही नहीं है, मेरी एक कॉल कंटिन्यू चल रही है और अचानक से दूसरी कॉल आ गई है, गलत है ना? इसे सर्विसिंग के लिए देना पड़ेगा। पहले खुद की सर्विसिंग करवा लो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं मिली तो मैं पागल खाने चला जाऊंगा? नहीं, उससे अच्छा है कि तुम स्वामी बन जाओ, बहुत तरक्की करोगे तुम। पापा, थैंक यू सो मच। क्यों गुड़िया? मुझ जैसी ब्यूटी को आप इस संसार में लाए इसीलिए। मैंने तुझे जन्म दिया, तेरा कलर मेरे जैसा है। तू तेरे पापा के कलर की होती ना तो तेरी कभी शादी ही नहीं होती। फिर पापा से शादी क्यों की? बड़े खानदान के हैं, गवर्नमेंट नौकरी है, ये सोचकर पल्ले बांध दिया। बहुत हो गया, बकवास बंद करो। तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे पीछे भाग कर नहीं आया था। रोबिता तेरी मौसी मुझसे शादी करना चाहती थी, बेचारी दिन रात सपने देखती थी। वो तो मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। अरे वादा किया था उन्होंने, इस वजह से इस लड़ाकू को लाकर मेरे गले में बांध दिया गया। क्या करूं मैं, अपने पिताजी के वादे को भुगत रहा हूं मैं। ए तू हां नहीं करती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ए तुम चुप रहो बेटा, और बोलोगी तो मुंह सिल लूंगा। तेरी बात कभी मानता नहीं है, देखा ना कैसे झगड़ा। तेरी वजह से इस घर का सुकून खत्म हो गया। अरे भगवान भी तुझे जल्दी पर नहीं बुलाएगा। देखा है जब से तुझको, होश नहीं है मुझको ना होश। ये क्या है, लाइट पोल के नीचे क्यों बैठे हो? अपने आप को मजनू समझते हो क्या? वो भारत रत्न है और तुम मुझे ना मिलने वाला रत्न हो। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ना तुम चाहिए। हेलो, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। मैं भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। प्यार को तुमने आखिर समझ क्या रखा है? वो आंखों से नहीं दिखता, ना उसे जुबान से कहा जा सकता है, वो तो दिल से ही पहचाना जा सकता है। स्वीट फील। उसके लिए टाइम लगता है। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, मुझे अभी जानना है यस और नो। नहीं होगा, मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें आज डिसाइड करना ही होगा। यहाँ 2 गमले हैं, उसमें से एक तुम्हें। अरे अरे क्या कर रही हो? अरे सुनो सुनो, अरे 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 मैं अपनी दुख भरी दास्ता सुना रहा हूँ और तुम लोगों को हंसी आ रही है। हाँ प्यारे, हमारे गणेश जी पेट भर कर खा कर अपने चूहे पर सवारी कर जा नहीं सके, ऊपर से धब्बे से नीचे गिर गए, पेट फटा और ऊपर से चांद देख कर हंसने लगा। वेरी नाइस। खुद कमा लेना, उनकी जेब में बार बार क्यों हाथ डालता है? शर्म नहीं आती तुझे? मम्मी, गांधी जी के पास भी तो पैसा नहीं था, लोगों से चंदा लेकर सॉरी बोल दिया। लेकिन आज तक कभी सॉरी नहीं कहा तूने। मैं गांधी जी के जैसा बनना नहीं चाहता। बाय। अरे सुन सर, सुनिए जी, आपका बेटा कहाँ जाता है, क्या करता है, कभी पूछेंगे नहीं आप?
तुम रोजाना यहाँ आते हो, वो भी ऑन टाइम। तुम्हारा बिजनेस क्या है? वैसे बिना काम के कोई जी नहीं सकता, ऐसे ही आ जाता हूँ, चला भी जाता हूँ, बस भाग दौड़ चलती रहती है। मैं जरा सुस्त हो गया हूँ, चार्ज कर दोगी क्या? क्या? पूरे महीने के लिए। तुमने जो कहा उसका मतलब? मतलब टाटा डोकोमो का फुल टॉक टाइम का रिचार्ज करो ना। पैसे रख कर फोटो, मैं कर दूंगी। तुम दाढ़ी बढ़ाकर कपड़े फाड़ लोगे और देवदास बनोगे, इसकी गारंटी है। फ्लैश न्यूज, मैं शादी के बाद सुकून से रहूं, ऐसा मैंने मंदिर में जाकर भगवान से कहकर आया हूं। मैं भी कहकर आई हूं, कभी नहीं होगी, ये पिताजी भैया से कहकर आई हूं। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें और कोई काम नहीं है? बेशरम कहीं के फोन रखो। मेरे माँ बाप इसी तरह मेरी बेइज्जती करते हुए छी थू फूक करके मेरे मुँह में थूकने के बाद भी मैं उसे सहन करके नहीं जी रहा हूँ, क्या मेरी जान? हे भगवान, मुझे बचाओ। मैं बचाने वाला भगवान नहीं, लूटने वाला हूँ। मुझे इसका टॉर्चर अब और बर्दाश्त नहीं होता। मेरे पापा आ गए, फोन रखो जल्दी। क्यों भाई साहब, आजकल आप इस दुकान की तरफ कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। क्यों सर? रिचार्ज खत्म हो गया तो रिचार्ज करने के लिए तुम्हारी दुकान पर नहीं आएंगे तो क्या जेल में जाएंगे हम? बात नहीं मानी तो वहाँ भी जाना पड़ सकता है। सिस्टर, शांति सिस्टर, ये आपको बुला रहे हैं, इन्हें आपसे कुछ बात करनी है। जरा इधर आइए। अरे चलती हुई ट्रेन को कोई रुकाता है क्या? ये ट्रेन रुकी, तू चढ़ जा। क्या है? तुम भी ना। जरा इधर आओ, इसे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कब कहा यार? हेलो, मैं 10 मिनट में वहाँ पर आ रहा हूँ, तू लगा रे, मैं आता हूँ। मुझे फंसा कर कहाँ जा रहा है? हेलो, हाँ सर, वेस्ट के पास ही हूँ, आपका ही वेट कर रहा हूँ सर। अरे ऐसा कुछ नहीं है सर, कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा हो जाएगा। हेलो मैडम, मेरे पास में पैसे नहीं है, कार से ही काम चलाता हूँ। ये क्या है? ये ऑर्गन डोनेट का सर्टिफिकेट है, कभी एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो। वैसे मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ और मैं लावारिस तो नहीं हूँ, मगर ये आंखें, किडनी, हार्ट, लंग्स, मेरे बॉडी का सारा पार्ट, मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद ये किसी के काम आ जाए। सच कह रहा हूँ, इसीलिए कार्ड मैंने बनाया है। तुम सच में बहुत ग्रेट। अरे क्या ग्रेट है यार, अगर कल मैं मर जाऊँ ना तो मेरे पिता भी मुझे देखने के लिए नहीं आएंगे, इसलिए ये सब कुछ करवाया है। बहुत अच्छी है। कुछ लोग अनाज और कपड़े बांट कर दान के नाम पर अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं, और कुछ लोग बहुत कुछ देकर भी किसी को पता ना चले इसलिए चुप रहते हैं। सच तो ये है कि पैसा दौलतमंदों के लिए है और इंसानियत गरीबों के लिए। हाँ? तुम्हें मैं रोड छाप मजनू समझती थी, पर कोई बात नहीं, हेल्प करने की मेंटालिटी तो है। आई लाइक यू। इस संसार में सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है पता है तुम्हें? जब कोई हमें सच्चे दिल से प्यार करता है। तुम भी वैसे ही हो, प्यार करते रहो। तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हेलो सुनो, अरे सुनो, क्या कह रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी नहीं समझती क्या तुम्हें? मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। क्या सच बोल रही हो? स्टॉप डॉक्टर, दवा समझ कर ले रहा हूँ नारायण हरी। हाँ? अरे ये क्या है जी? फुल बॉटल ब्रांडी 690 रुपीज, वो भी घर में चौराहे पर बैठकर कोई पीता है क्या? अरे सब बर्बाद हो गया। क्या हमारे घर गली गली घूमकर भैया डेली शराब पी कर आते हैं, कभी उनसे पूछा है क्या तुमने? पापा तो कमाते हैं, पी नहीं सकते क्या? करेक्ट बोली मेरी डॉटर, थैंक्स। हाँ माँ, हाँ बोलो। आए, क्या ये? आज तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो।
फोटो में बाहर बारिश आ रही है ये सोच कर फर्स्ट टाइम घर पर बैठ कर पी रहा हूँ। और तुम क्या कर रही हो? कैसे लग रहा? बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने, पूरे दुनिया में ढंग का पीट रहे हो। तू घर जल्दी आ जा बेटा, तेरे पिताजी तेरी तरह आज अपना पापा खो बैठे हैं। ये देख, जिस दिन से हमारी शादी हुई है इस गाड़ी में मैंने तेरे ऊपर जो भी खर्चा किया लिख कर रखा है। कुल मिलाकर 67,73,999.66 रुपए हो चुके हैं। इतने रुपए तू मुझे दे दे और चुपचाप बोरिया बिस्तर उठा के भाग जा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आज क्या हो गया है आपको? मैं रसीद दूंगा तुझे। इसका क्या मतलब है? डिवोर्स, गेट आउट। माँ, पापा इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या इसका बाप नौटंकी क्या करता हुआ है? भाई? मेरा बाप बहुत बड़ा डांसर बन गया है। ये लीजिए। दो नीम फेस दो। हाँ, हाँ ये लीजिए। हेलो, आउट ऑफ ऑर्डर। हाँ? मैंने करवाया है। तुम्हें जो भी बकना है यहाँ आकर बको। कैसे इंसान हो? लव लव करके पागलों के जैसे भटक रहे हो। सच में तुम्हारी जवानी ना मुझे पागल कर रही है। तुम पागलपन छोड़ोगे तो मैं तुम्हें नौकरी दूंगी, मंजूर है? दिन के 18 रुपए 40 पैसे पगार, एक टाइम का टिफिन फ्री। हार्ट अटैक आया क्या? मैं मर रहा हूँ, तुम्हारी बात सुन करके ये नाक सच में मर रहा है। हाँ? बट जैसे ही फिर से फीलिंग आती है मैं जिंदा हो जाता हूँ। इस चीज को हस्बैंड बनने की ख्वाहिश के अलावा असिस्टेंट बनने का नहीं आइडिया। रोज आते हो बिना मतलब की अनाप शनाप बातें करके यहाँ से चले जाते हो। तुम्हें कुछ एहसास नहीं है क्या? एहसास है। हा? एक ही, एक बार बिल्कुल अकेले में तुम्हारे साथ दिल खोलकर बात करना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है, आगे जाकर कॉर्नर पे बैठ जाओ, मुझे वक्त मिला तो मैं आके मिलूंगी। बट ये आखिरी बार है, चलते बनाओ। जरूर आना। पागल तू। क्या सर, आपकी दुकान में चिड़िया फंसाने वाला जाल नहीं है क्या? किसी को फंसाने में इस्तेमाल होने वाली चीज हम अपनी दुकान में नहीं रखते। करेक्ट, सरकार ने जू प्राइवेट वालों को बेचा तो तुम जानवर का आइटम क्यों नहीं रखते हो? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, पब्लिक गलत समझेगी। समझने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लाइक इट बट आई डोंट लाइक इट। क्या बकना है बको? बकू? मैं सुबह शाम तुम्हारे ख्यालों में रहता हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ तुम ही छाई रहती हो। नींद नहीं आती है, खाना नहीं उतरता है। हाँ, कुछ दिन ऐसा ही हाल रहा तो पंछी बन के उड़ जाओ। एक बार तुम मुझे दिल से अपना मान लो, उसके बाद मैं पंछी बनूं धुआं बन के उड़ू कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी इन बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो मेरी सटक गई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। मतलब मुझे ये प्यार मोहब्बत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम बेकार में मेरे आगे पीछे घूमकर अपना लाइफ वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारे जैसे को अपनाने के लिए मैं मेंटल नहीं हूँ। चुपचाप यहाँ से निकलो वरना यहाँ से तुम्हें कोई उठा लेगा और पागलखाने में भर्ती कर देगा। भर्ती करवाना तो कोई बात नहीं है, मुझे तो तुमसे राजशेखर तू ही है क्या? जी भाई, क्या बात है? तेरा ही नाम राजशेखर है क्या? गांधीनगर में तेरा आजकल इतना चर्चा क्यों हो रहे? छोड़ो चर्चा करने दो, हमेशा न्यूज में रहूंगा। ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसे उठा कर।
टॉर्चर कर रहे होंगे। अरे यार सब जगह मजाक नहीं चलता, क्या कर रहा है, चला जल्दी। ये प्यार के चक्कर में किसी के पीछे पड़ा होगा। मजाक मजाक में उसका अपनी पैर की कलाई मार ली है। चल चल चल, पता नहीं उसका क्या होगा। अरे वो देखो ऊपर बैठा है। चल देखते देखते कहीं उन लोगों ने चार पैर तो नहीं तोड़ दिए। अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, बता क्या हुआ, क्यों रो रहा है, अरे कुछ बताएगा, बच्चे की तरह क्यों रो रहा है, क्या हुआ, कहीं तेरी किडनी तो नहीं निकाल ली उन्होंने। ये बता मेरी बॉडी का कोई पार्ट तो किसी ने नहीं निकाल लिया जो ऐसे हो रहा है। वैसा कर देते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। मतलब लोगों ने ये भी नहीं देखा कि मैं एक जवान लड़का हूँ। तो? स्कूल के बच्चे की तरह दोनों हाथ ऊपर उठाकर घुटने के बल पागल समझकर मुर्गा समझकर खड़ा कर दिया। सुंदर तुझे पता है ना, एक बार बैठता हूँ तो उठने में मुझे पूरे 3 मिनट लगते हैं। ऐसे में उन्होंने मुझसे 150 उठक बैठक करवाई। चंदू मैं कौन हूँ यार, नागो, आज नहीं तो कल हम लोग इस राज्य के पॉलिटिकल लीडर हैं। ऐसे में उन्होंने मुझसे मेरे हाथ से 100 थप्पड़ लगवाए। हम सब दोस्त हैं, हम एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे लेकिन साथ में रहेंगे। हाँ। मगर और किसी ने हाथ लगाया तो कुछ नहीं करेंगे। तू बैठ जा। अबे रुक जा यार, क्यों बैठूं? हम उसका जवाब देंगे। हाँ, करेक्ट चंदू, हम उसका बदला लेंगे। हाँ, करेक्ट बोला, बदला लेंगे। तुझे रोते देखकर मुझे एक बात याद आ रही है। उनकी नानी की माँ की इलेक्शन से पहले हम टीवी के न्यूज़ बन जाएंगे। आप बैठ जा यार। ओके। ए फोन है उसका। ए उठा यार, अगर वही लोग होंगे ना तो उसकी वाच लगा देंगे। हेलो नागू, मुझे प्यार करने वाली लड़की चाहिए, राउडी नहीं। नागू, I hate you। यार तूने ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया, लड़कियों के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना, तब तू सुखी रहेगा। Yes, yes, yes. Hey, hey, रुक, फोन आ रहा है। हेलो नागू, कहाँ पर हो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या, क्यों, फिर किसी को बुलाकर मेरी धुलवाई करवानी है? नहीं आता मैं। देखो आज अगर तुम नहीं मिले ना तो मैं जिंदगी भर नहीं मिलूंगी कालिया। क्या कालिया, क्या सच में? लेकिन मेरा असली नाम तुम्हें कैसे पता चला? ये जानना है तो एक रोज लेकर पटरी के पास आ जा, बताती हूँ। ठीक है चंदू, एक अर्जेंट काम है, चल जल्दी निकल। चल रोज कहाँ है? फिलहाल रोज को अपनी जगह पर रहने दो। मेरा पुकारता नाम कालिया, ये तुम्हें कैसे पता चला? रोज कहाँ है बताओ। रोज को छोड़ो, मेरा नाम कालिया है, तुम्हें कैसे पता चला ये बताओ। ए पागल, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, एक मिनट रुको। बात टेंशन की नहीं है, मुझे पहले ये जानना है कि मेरा नाम कालिया है, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा, चलो बताओ। संध्या, एग्जाम में आंसर से ज्यादा तुमने यही लिखा है ना कालिए? करेक्ट। लेकिन ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली? ये तो स्कूल का है। तुम कहाँ हो, दिखाओ। ओ ओ ओ ओ ओ। ये रहा। इन लड़कियों के बीच में मैं कहाँ हूँ, दिखाओ। छोटी। तू मुझे कालिया बोल रहा है? मुझे कालिया बोल रहा है? मेरा बाप होगा कालिया। नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे तू क्या मुझे कालिया बोल रहा है? हाँ? ये ले, ये ले। अरे नहीं छोड़ूंगा तुझे। नागू, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो, छोड़ो। क्यों मार रहे हो उसे? इसने मुझे मुक्का मारा, इसने मुझे कालिया बोला। कालिए को कालिया नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा? ये मोटा हमेशा चिढ़ाता है। अरे तुमने इसे क्यों मारा? इसने मुझे मोटा कहकर पुकारा। तुम चिढ़ाते हो ना इसे? तू चुप कर, मोटा हूँ तो क्या हुआ, इसका खाना खाता हूँ क्या? देखो विनय, तुम्हें जैसे कोई मोटा कहता है तो गुस्सा आता है, वैसे इसे कालिया कहेगा तो गुस्सा आता है। स्कूल में एक ही तरह का यूनिफॉर्म पहनकर क्यों आते हैं? इस तरह का काला, गोरा, मोटा, दुबला, पतला, लंबू कहकर किसी के साथ भेदभाव ना हो इसलिए। कोई काला हो या गोरा हो, हम सब एक साथ पढ़ते हैं ना? बताओ मुझे, हम इंसानियत का पाठ पढ़ते हैं, सब एक जगह ही रहते हैं, इसलिए हमें लड़ना नहीं चाहिए।
सुनो नागू, उससे कहो तुमसे गलती हुई है। शुरुआत इसी ने की थी। पहले हो या बाद में ये बात छोड़ो, गलत गलत होता है। चलो इसे सॉरी बोलो। सॉरी यार विनय, मुझसे भी भूल हो गई। आज से हम सब फ्रेंड्स हैं। वो तुम तुम्हारी चोटी ही ये संध्या है। चलो एक मिनट, रोज कहाँ है बताओ। ये रहा, एक मिनट। आज के बाद मैं तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊंगा। वो क्यों? वो इसलिए कि तुम मुझे पहली नजर में पहचान गई थी ना कि मैं नागा हूँ, फिर भी मुझे उठा कर ले जाते समय बचा क्यों नहीं? वो इसलिए, लड़कियों के पीछे पागलों के जैसे पढ़ने वाले तुम जैसे को थोड़ा सबक सिखाने में हम लड़कियों को मजा आता है। सुनो, सॉरी यार, सॉरी। रोज तुम ही लगा दो। क्या क्या मैं? बालों में लगाओ ना। नहीं। ए कालिया, लगा ना। अब भी तुम मुझे कालिया कहकर बुलाओगी क्या? और नहीं तो क्या, लगाने के लिए कहा तो तुम नखरे दिखा रहे हो। अच्छा, आज तो लगा दूंगा। मैं कालिया हूँ इसलिए तुम किसी और के साथ चली गई। वेंकटेश्वर वेंकटेश्वर, काला नहीं है क्या, काला नहीं है क्या? ए सुनना। कौन रे? तू और कौन? क्या है बात? तू मुझे कोई गिफ्ट क्यों नहीं दी? तुमने मेरे लिए कौन सा महल खड़ा किया है जो मैं तुम्हें गिफ्ट दूँ? पहला, मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र बांधा है। दूसरा, माँ बनने का सौभाग्य देकर मैं बाप बना हूँ। तीसरा, पहले जाकर मेहनत कर। अरे सुबह सुबह क्या शुरू हो गया, घर में क्यों पड़ा ये? तुम जैसे गुलामों के लिए एक रास्ता है, पर हम जैसे राजाओं के 50 रास्ते हैं। अरे तुझे मान मर्यादा का कुछ एहसास है? एहसास को बोरी में भरकर किसे बांटूं? कमाने वाला ससुर, खिलाने वाली सास, लड़ने वाली बीवी के होते हुए मैं यहाँ पर स्वर्ग का एहसास कर रहा हूँ। स्वर्ग का नहीं, नर्क का एहसास करो। टाइम आने दो। प्यारी सासू माँ, अपने पति से कहो ज्यादा मत चिल्लाए, हार्ट अटैक आ जाएगा, सीधे ऊपर जाएंगे। तुम विधवा हो जाओगी, मेरी बीवी अनाथ हो जाएगी, फिर मुझे खाना कौन खिलाएगा? अरे रुक 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 रुक, बेशरम कहीं क्या, मेरी चप्पल पहन के चला जा रहा है। अरे सुबह सुबह ये मेरा नाश्ता भी खा गया। बहुत बड़ी पनौती है, ये लो खाओ। वो मुंह खोलो। तुम्हें एड्स है क्या? जिसे एड्स होता है ना, वो तुम्हारे जैसे चुप चुप रहते हैं, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। ए, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। वो छोड़ो, लड़कियों को तुम क्या समझते हो? माँ, दीदी, छोटी दादी। खूबसूरत लड़की जब किसी के साथ होती है तो मीठी बात करके साथ कॉफी पीती है, एटलीस्ट वन किस, और चांस मिला तो एक बार, आई मीन हाथ पकड़ लेते, हो सके तो कहीं घुमाने ले जाते। नो आइडिया, मुझे ऐसी गंदी आदतें नहीं है। मैं जो तुमसे कह रही हूँ ना, वो क्या इंस्टीट्यूशन में सीख कर आई हूँ। एक्सपीरियंस ना होते हुए भी कोई भी लड़का लड़की उनकी पहली मुलाकात में इसकी शुरुआत करते हैं। दो चार रोमांटिक मूवीज देखने के बाद अगर तुम ये सब करते हो तो क्या फायदा है? नहीं शांति। चंदू, हम ये जो कल साथ बिता रहे हैं उसे एंजॉय करो। कम ऑन, किस करो। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। क्यों, कल तक तो लार टपकाते हुए हर जगह मेरा पीछा कर रहे थे। हमारी बच्ची की तरह दिख रही थी। हाँ जी, वो तो हमारी ही बेटी है। वो मेरी सगी बेटी है। कल अपने बेटे को साथ में लाओ और इसे मंगलसूत्र बांध कर ले जाओ। किसे? तुझे और किसे? मैं कोई जानवर हूँ क्या कि कोई भी मंगलसूत्र बांध कर ले जाएगा? मुझे शादी नहीं करनी। हा? क्या है तुम्हारी मर्जी? ए, इतनी देर तक उसके साथ क्या बातें कर रही थी? मैंने कहा फर्स्ट नाइट बना लेते हैं। उसने कहा मुझे प्रैक्टिस नहीं है। मैंने कहा ठीक है, शादी के बाद देख लेंगे। अरे पब्लिक के बीच में तो उससे बेशर्मों की तरह बात कर रही थी। तुझे फर्स्ट नाइट की इतनी जल्दी है क्या? देख, मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी को पसंद करने की आपकी उम्र नहीं है। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अपनी बीवी को समझाइए। नहीं बेटी, वो सुना ना, वो क्या कहकर गई है, हमसे ज्यादा वो उस लोफर से प्यार करती है। अरे तुम जरा चुप रहो। मर्यादा की जरा भी फिक्र नहीं है। क्यों पंकजा मैडम, क्यों उसे लोफर कह रही है? चंदू इसी घर का दामाद बनेगा। उसकी सूरत देखते ही हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वो हमारा दामाद बनेगा क्या? आपके पति की तो पहले से ही आंखें कमजोर हैं। ये जानने के बाद भी आप उनके साथ स्कूटर में गई ना, अब अगर आप लोग गिरे तो आप लोगों को नसीब। अरे क्या मतलब है, माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया, वो नीचे गिर पड़े, फिर भी तू उसी से शादी करूँगी।
ए, हमारे जीते जी ऐसा नहीं होगा। तेरी शादी उससे नहीं होगी, तेरी शादी सड़क पर भीख मांगने वाले से करवा दूंगा। ये कौन होगा इस समय? ससुर जी नमस्ते। अंदर आप लोगों की बातचीत मैंने सुन ली है। वैसे मेरा नाम माइकल है, मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ। आपकी बेटी की शादी मेरे से करवा दीजिए, महारानी महारानी बना के रखूंगा। सोच क्या रहे ससुर जी? कम ऑन ससुर जी, देखा ना आपने, आजकल घोर कलयुग चल रहा है, भलाई का जमाना नहीं रहा। तेरी वजह से मुझे भिखारियों की भी बात सुननी पड़ रही है। ए, ऐसे क्या देख रही है? तेरे पिताजी ने क्या कहा तुझे समझ में नहीं आया? तुझे समझ में नहीं आया क्या? सत्या जी, एक सच्चाई बताओ, अगर मैंने चंदू से शादी की तो अभी आपने कहा कि आप दोनों मर जाएंगे। अगर आप अकेले मर गए तो ये विधवा हो जाएंगी और इनका कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। कुएं में कूद कर जान दे दूंगी भाई। ये सुन सुनकर मैं बोर हो गई हूँ। मैं डरने वाली नहीं हूँ, जाइए जाकर मर जाइए, नहीं तो पॉइजन खाकर आप दोनों ने सुसाइड किया है ऐसा मैं प्रूव कर दूंगी। ये सब मेरे लिए मुश्किल नहीं है, सोच लो। हाय मेरा बेटा, कैसा है तू? अच्छा है ना? नमस्कार सर। तू नमस्ते करो। थैंक्स। अरे रुक ना, घी डालो बेटा। और थोड़ा माँ। डालो। माँ, अरे सब्र रखेगी? बहुत बढ़िया माँ, क्या खाना बनाया है। तुम यहाँ किस लिए बैठी? देखो ना मम्मी को, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। कहकर गया था कि इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा, लेकिन जरा देखो तो कैसे बेशर्मी से गपा गप खाना ठूसे जा रहा है। सुनिए महाशय, मैं यहाँ कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपने हक का खा रहा हूँ। ओहो, हक का खा रहे हो, लेकिन खाने क्यों आए? आज तक आपने मेरे लिए और मेरी माँ के लिए जितने भी पैसे खर्च किए हैं ना, सारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा आपको। हो ऐसा क्या? पर पैसे कहाँ से आएंगे? अकाउंट से। मैं जिस लड़की से शादी कर रहा हूँ ना माँ, वो अकाउंट में है। शादी? तुम शादी करोगे? कौन बेवकूफ है वो जो तुझे लड़की दे रहा है? तुम मुझे क्या समझ रहे हो? मुझे पता है तू इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाएगा। किसी को टोपी पहनाई होगी तूने। हाई स्कूल जाने तक तो तू अपनी माँ का दूध पीता था। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो, माँ के लिए तो बच्चा ही होता है। वाह वाह, हरिश्चंद्र की औलाद, फोकट में मिलता था इसलिए पीता था। तेरी आदत मैं नहीं जानता क्या? महाशय सुनिए, आप लड़की के घर जाइए और उसकी और मेरी शादी की बात का सेटिंग कीजिए, मैं आपके पैसों का सेटिंग करता हूँ। ठीक है, तेरी शादी के लिए मेरी इजाजत चाहिए, लेकिन बाहर वो पागल कुत्ता किस लिए खड़ा है? अरे शादी के लिए इनविटेशन कार्ड तो छपवाने पड़ेंगे ना, उसी के लिए मैंने उसको बुलाया है। बस बस बस, आगे सर। बोलो सर। आइए सर, यही घर है सर, आइए। सुंदर, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तुझे जल्दी है। क्या बात है, घर में कोई नहीं है क्या? सर, सर। क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन घर तो एकदम सिंपल सा है। इस एरिया में छोटे घर का भी बहुत रेट है पापा। सर, अरे तेरी तो, अबे हम यहाँ भीख मांगने के लिए आए क्या? ए, दहेज लेना तो भीख लेने से भी बदतर है। ए, सुबह सुबह। ओ आप पंकजा, अरे जल्दी बाहर आओ, वो लोग आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए ना, एक ही शहर में रहकर हमारे घर आने वाली बहू आपके घर में है, हमें पता ही नहीं था। इसे ही कहते हैं किस्मत का लिखा। किस्मत का लिखा कहकर सिर दिखा रहे हैं। ओके ओके ओके, अपनी लड़की को बुलाइए। शांति, ये सब बोलना जरूरी है? वेट सन, वेट। सी माय सन। बेटा, पत्थर की फैक्ट्री में लगता है कपूर पैदा हुआ है। पापा, हमारी फैमिली भी कपूर फैमिली है। चंदू जैसा बेटा जो है आपको। यस, यू आर राइट। थैंक यू। सुनो बेटी, देखो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछूं। तुम्हें शादी करने के लिए एक पति चाहिए या फिर एक मर्द चाहिए? मुझे पति चाहिए। वेरी गुड। देखो बेटी, जो तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता है वो जिम्मेदार शख्स नहीं है, वो कोई काम नहीं करता। इससे अगर तुम्हारी शादी हुई तो समझो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद।
दहेज लेकर शादी करने वाला सिर्फ एक पति बनता है, लेकिन मेहनत करने वाला मर्द नहीं बनता। क्या? किसी भी इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी बुद्धि और फिर उसके अच्छे दोस्त। इसके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके सब आवारा हैं। तुझसे मैंने कितनी बार कहा था कि यहाँ अगर हम बेइज्जत ही होंगे, देख ले तुम्हें, चल निकल यहाँ से। देखो बेटी, ये समाज लड़कियों से सिर्फ दो सवाल पूछता है। पहला सवाल, तुम्हारे पति का नाम क्या है? दूसरा सवाल, वो करता क्या है? पति का नाम तो तुम्हें पता है, वो बता दोगी, लेकिन वो काम धंधा क्या करता है, इसका जवाब क्या दोगी? प्यार के नाम पर पीने वाली हर चीज दूध नहीं होती। तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी नौकरी है, सामने अच्छा भविष्य है, इसलिए सोच समझ कर फैसला करो। कहते हैं हजार झूठ बोलकर भी शादियां करवानी चाहिए, लेकिन मैं सच बोलकर इस शादी को रुकवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यू वॉन्ट हैप्पी, डोंट मैरी, अंडरस्टैंड? कम वाइफी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे पापा विलन से कम नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, समझी? ये क्या लेकर आए हो तुम? खुद खाने की सड़ा हुआ पागल कहीं का। ए, मैं यहाँ सीरियसली बात कर रहा हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? देखो चंदू, लाइफ के बारे में उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही है। सुनो चंदू, जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ उतनी ही लोगों को तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए, और सबसे पहले तुम्हें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। और ये सब कुछ होगा या नहीं, इस बात का डाउट सिर्फ मेरे दिल में ही नहीं है, बल्कि सारे लोगों के दिल में है। थैंक यू। ओके संध्या। सुनो बेटी, जरा इसके 10-20 जेरॉक्स निकाल दोगे क्या? इस तस्वीर में जो है उसे तुमने कहीं देखा है बेटी? जी नहीं। सर, इन्हें क्या प्रॉब्लम है? ये लापता क्यों हो गए हैं? दिमाग ठीक नहीं है बेटा, अकल से कमजोर है। दिमाग से यहाँ आकर मुझसे उल्टी सुल्टी बातें करके जाता है, तो ये सच में तो पागल है। क्या कहा बेटा? कभी इस दुकान पर आया था क्या? ये लाल हरी झंडी यहाँ पर कौन सी ट्रेन को झंडा दिखा रहे हैं? बाय डैडी, बाय बाय बाय। सर, अभी जो गया वो इस फोटो के जैसा ही लग रहा था ना? ऐसा क्या? सर, ये क्या है सर? कहीं मिले तो मुझे कॉल कीजिए, ये पैपलेट मुझे क्यों दिया? उसका दिमाग यहीं से खराब होना शुरू हुआ। साहब का ही फोन होगा। देखो बेटी, मेरा बेटा बुरा नहीं है, बस वो कोई काम नहीं करता, फिर भी मुझे कोई गम नहीं है। अगर आज वो बिगड़ा हुआ है तो सिर्फ दोस्तों की वजह से। चंदू नाम का एक आवारा दोस्त है उसका, उसने ही उसे बिगाड़ रखा है। अगर तुम किसी तरह उन दोनों को अलग कर दो तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ये काम तुमने कर दिया तो मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पापा से तुम्हारी शादी की बात करूंगा। ए अशोक राय, मुझसे बात करनी है तो बात करो ना, चुपचाप क्यों खड़ी हो? मैं बेवकूफ हूँ क्या? हेलो, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रही हूँ। नागू, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। अच्छी बात करोगे तो बुरा क्यों मानूंगा? तुम्हारा दिल बच्चे जैसा है, इसलिए मैं आज भी दूध पीता हूँ। बोल बच्चन में कोई कमी नहीं है। सच कहूँ तुम्हें एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझ में दोस्तों की संगत। हाँ, सुंदर कितना बिगड़ा हुआ इंसान है ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, उसका हमारे सिवा कोई नहीं है। वो नहीं, चंदू की संगत, वो एक नंबर का कलंक है, और तुम सफेद दूध। तुम्हें अगर अपना अच्छा भविष्य बनाना है तो तुम्हें चंदू की संगत छोड़नी होगी। एक लड़की के आने से हमारी दोस्ती में खलल पड़ जाएगी, इसलिए मैं प्यार से दूर था। आज तुम्हारी कही बात ने इस बात को प्रूव भी कर दिया, तुम हमारे बीच में दीवार हो।
बिगड़ी हुई औरत को भी बेस्ट फ्रेंड सुधार देते हैं। जानती हो क्यों? एक दोस्त ही एक दूसरे की बातों को शेयर करते हैं और अच्छे बुरे को पहचानने की ताकत देते हैं। ए, प्यार के लिए बनाया हुआ ताजमहल आज कहानी में ही है, आज वो इतिहास बना है। लेकिन कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती ग्रंथ बन गया है और संस्कृति बनकर जिंदा है। उसके लिए इतनी बड़ी पनिशमेंट, प्लीज नागू, प्लीज मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ। तुम्हारे अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर अपनी बेटी को तुम्हें कैसे सौंपती? जानता हूँ मेरी बेटी आज शादी के लायक हो गई, फिर भी वो मेरे लिए बच्ची ही है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। जब वो छोटी सी थी तो अपने नन्हे हाथों से इन दीवारों पर जो चित्र बनाई है उसे आज तक नहीं मिटाया। सुना है तुम्हें राजनीति में दिलचस्पी है। राजनीति तो एक जुए के जैसा है, इसकी गंदगी को साफ करने के लिए तुम्हारे जैसे युद्ध की जरूरत है, मैं जानता हूँ। इसलिए जिम्मेदारी निभाना सीखो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर मैं खुद अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में दूंगा। 100% आज की तारीख चौपाल पर लिखूंगा, आने वाला इलेक्शन जीतकर कॉर्पोरेट बनकर तुम्हारी चौकट पर आऊंगा। पागलों की औलाद, तुम लोगों को म्यूनिसिपल इलेक्शन का टिकट चाहिए? ये बताओ कि क्या किया है तुम लोगों ने अब तक? आप कैसी बातें कर रहे हैं? 2.5 साल से मैं आपके पैरों की चप्पल बनकर काम कर रहा हूँ। घिसे हुए चप्पल को शोरूम में सजा कर नहीं रखा जाता, उसे उतार कर फेंक दिया जाता है। भाई आपने कहा था भाषण में कि युवाओं की सख्त जरूरत है। तुम लोगों की पार्टी में जरूरत है, पद के लिए नहीं। मतलब हमने जो भी आपके लिए किया वो सब बेस्ट है। क्या किया है तुम लोगों ने? इलेक्शन टाइम में लोगों को घर से बाहर लाए हो, उसके लिए पैसे दिए हैं मैंने। फ्लैक्स और बैनर बनवाया है, उसके लिए भी तो पैसे दिए हैं मैंने। हार पहनाया, शॉल पहनाई, वो हमारे घर से लाए हुए पैसे की थी। चुप रहो तुम लोग, ये लो अपना हार और शॉल। मुझे नहीं पता था तुम लोग इतने घटिया हो, जाओ यहाँ से। दोबारा अपनी सूरत मत दिखाना मुझे, वरना चप्पल से मारूंगा। बस बात हो गया, इस देश में सिर्फ तुम्हारी पार्टी नहीं है, तुम्हारे जैसे सैकड़ों पार्टी है, उसमें कोशिश करेंगे। इंडिपेंडेंट जीत कर दिखाएंगे तुम्हें। निकला यहाँ से और देखा है। चल यार। भाई इन्हें फायदा भले ही ना हो लेकिन हमें नुकसान जरूर होगा। इनकी पहचान आपने करवाई है, अगर ये लोग आपके खिलाफ गए तो लोग क्या समझेंगे भाई? इसका एक ही समाधान है, दोनों में से किसी एक को ही टिकट दे सकते हैं, फिर खुद ही लड़ मरेंगे। इतने साल की मेहनत सारे पानी में चली गई। ए नागा, साहब दोनों को बुला रहे हैं, आ जाओ। भाई तुम दोनों ने मेरी इतनी सेवा की इसलिए मैंने कुछ सोचा है, बड़ों के साथ एक छोटा तो चाहिए ना। मैं टिकट दिलवा दूंगा लेकिन दोनों को नहीं, किसी एक को, ठीक है? भाई मुझे लगता है नागा का पॉलिटिक्स और जनता के बीच में ज्यादा संपर्क है। भाई चंदू को खड़ा करो, मैंने राजनीति चंदू से ही सीखी है। क्यों चंदू, क्या इरादा है? भाई एक फोन कर लूँ क्या? हेलो सुंदर। हाँ बोलना। कल का अच्छा मूड कौन सा है जरा बता। अरे बात क्या है? अरे इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ यार। कौन खड़ा हो रहा है? और कौन, हमारा नागू, साथ में मैं भी हूँ। पार्टी की कोई जरूरत नहीं है यार, इंडिपेंडेंट खड़े होंगे। ए चंदू तू अकेले ही खड़ा हो जा। नागो ये हमारी दोस्ती तोड़ना चाहते हैं, समझा?
सत्ता के लिए, पैसों के लिए कोई हमारी दोस्ती नहीं तोड़ सकता। एक बात याद रखो, गरीब या अमीर के लिए घर होता है, मगर शेर के लिए पूरा जंगल होता है। चल नागो। चंदू, मैं भी एक पंच मार कर। ये नाग है, दूध पिलाकर पूजा किया तो नागपंचमी, उसके अलावा टीले में हाथ डाला तो फन खोलूंगा, फिर तुम्हारी चिता सजेंगे। सबसे पहले हम इलेक्शन कैंपेन शुरू करते हैं, किसी अच्छी जगह से शुरू करेंगे। प्यारे बड़े और छोटे भाई लोग, अगर आप हमें जिताएंगे तो चुनाव को जीतने के बाद हमारा पहला काम होगा, जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए एक वक्त की शराब फ्री। जो पीकर फुल टाइट होने के बाद घर नहीं जा पाते हैं, उन लोगों को बस हमें कॉल करनी है, हम उन्हें सही सलामत घर पहुंचा देंगे। शराब पीकर जो भी गाड़ी चलाएगा उसे पुलिस पकड़कर कोई सजा ना दे, ऐसा सुबह 5 बजे उठकर बार के सामने दरवाजा खोलो, ऐसा दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं। नए रूल्स लाकर 24 आवर्स बार हमेशा के लिए चालू रहेंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। नहीं छोड़ेंगे, माँ मुझे जरा काम है, मैं आता हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे बेटा, तुम जमीन पर तो ठीक से खड़े नहीं हो पाते, इलेक्शन में खड़े होकर क्या उखाड़ लोगे? अरे कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा भला हो। नहीं करूंगा। बाबूजी के मना करने के बाद भी तुम इस इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, इसका क्या मतलब? मतलब है? मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। ऐसी कौन सी मीटिंग है? पार्टी मीटिंग। बांटने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और पार्टी मीटिंग में जा रहे हो? इलेक्शन में जीतने दे, सेकंड अरेस्ट तुझे ही करवाऊंगा। चंदू डोंट गो, यहां पॉम्पलेट छापने के लिए पैसे नहीं है। चलो अपना काम करो। चंदू बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। इज्जत से मेरी बात मान लो। तेरी तो मैं ऐसे नहीं मानने वाली। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, समझी? नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ देता। प्लीज चंदू, तुम जानते हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे मजाक नहीं करूँगी तो कैसे करूँगी? सॉरी हाँ, सॉरी 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 प्लीज सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, छोड़ो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, विथड्रॉ कर लो। नो चांस। चारों तरफ से पब्लिक देख रही है, जितना तू मुझे मारेगी ना उतने ही ज्यादा वोट मिलेंगे मुझे। तू मुझे ना पंच मार, मैं नीचे गिरता हूँ। मैं तुम्हें फिर से समझा रही हूँ, अपना नाम विड्रॉ कर। नो चांस। देखो शांति से प्यार से समझा रहा हूँ तुम्हें। लास्ट पंच है, शांति पंच। देखो चंदू, इतना आसान नहीं है, अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो। मेरे हर सीन में आकर तू पागलों जैसी हरकत क्यों करता है? हाँ क्योंकि तुझे यह सबक अभी मिला है, मुझे तो पहले ही मिल चुका है। अरे यार, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुझे पिटते हुए देखना था ना इसलिए। बाबूजी, आपकी बीबी कहाँ है? क्यों पूछ रहे हो?
नहीं, वो कैसी है वो? अच्छा ऐसा है, शॉर्ट में कहना चाहूंगा, शादी से पहले बिल्कुल गूंगी थी और अब? अब तो कान में रुई ठूस कर जी रहा हूँ। आपकी बेटी शांति? अरे उसका क्या बताऊँ, वो तो रानी की तरह जी रही है। उसे कोई बीमारी है क्या? जब देखो तब मेरे ऊपर नजर रखी रहती है। क्या उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं एक मर्द हूँ, पब्लिक के सामने मेरी पिटाई कर दी। पब्लिक में कोई चुम्मा लेता है? मुझे क्या पता था वो आपकी बेटी है। खैर छोड़, कितनी बार मारा है? इतनी बार मारा है कि सुसु आ गई। सिर्फ एक ही बार? हाँ। ये तो तेरा ट्रेलर है बेटा। क्या? मेरी बीवी मुझे हफ्ते में 2 बार मारती है। चलो अंदर। अरे चलो अंदर। शादी हुए कुल 20 साल हो गए ए छोटे। हाँ? अभी तक कुल 2000 बार तो मारा ही होगा ना। ये तो सिर्फ मेरी बीवी का अकाउंट है, मेरी सासू माँ का अलग है। अरे बाप रे, मेरी लाइफ जो मिल जाए उसे एक्सेप्ट करना ही लाइफ है। वो देती रहेगी, तुम लेते रहना, तो गृहस्थी का पहिया चलता रहेगा। यही संसार है, इसी से वंश आगे बढ़ता है। उसी गम को भुलाने के लिए हम मर्दों को इसकी जरूरत पड़ती है। सर आपने हमें अर्जेंट क्यों बुलाया? देखिए, सिविलियन एक्ट के आधार पर और इलेक्शन रूल्स के हिसाब से क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले आप लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। सर चंदू के ऊपर क्रिमिनल केस है? जी हाँ, पुलिस की रिपोर्ट में ऐसा लिखा है। क्यों सर, कितने बड़े बड़े लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड होते हुए भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, मिनिस्टर बने हैं? उन पर सिर्फ केस है पर वो प्रूफ नहीं हुआ है और ना ही सजा हुई है, जबकि इनका केस प्रूफ हो चुका है। छोड़ यार। चंदू अगर तू इलेक्शन नहीं लड़ेगा क्या तो मैं भी नहीं लड़ूंगा। चंदू का नॉमिनेशन। अरे यार इतना क्यों अपसेट हो रहा है तू? हाँ कोई कितने में क्रिमिनल केस लगाए लेकिन तू जीत के रहेगा। लेकिन मेरे पे क्रिमिनल केस किसने लगाया यार? सुंदर ये किसे फोन कर रहा है? किसे फोन कर रहा है यार? हेलो, तुमने जो मुझसे कहा ना तो मैंने तुम्हारी बातों पे गौर किया है। मुझे ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, मैं फॉर्म वापस ले रहा हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। लेकिन एक बात है शांति, मेरा दोस्त नागू इलेक्शन लड़ रहा है और मैं उसे 100% सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन इस बात से तुम भड़कना मत, मुझे मारना मत प्लीज। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है, जी चाहता है कि तुम्हारी चुम्मी ले लूं। यहाँ पर बहुत पब्लिक है, कहीं और चले क्या? चल जा। थैंक यू। अबे ना समझ गधे की औलाद, तुम लोग का वार्ड नंबर 25 है, तुम लोग को अपने इलाके में प्रचार करना चाहिए, मेरे इलाके में क्यों कर रहे हो? क्या? हाँ? ये हमारा वार्ड नहीं है क्या? मुझे क्या पता, तू जहाँ जा रहा है मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे तो क्या बुरा है, इसलिए हम तुम्हारे इलाके में आकर प्रचार कर रहे हैं। तो तुम हमारे वार्ड में जाकर के भी प्रचार कर सकते हो। रामदास की, अरे हमें तुम्हारे आदमी है यार। लेके फिर पहुंच गया उसका कुछ कर। मेरी बात कान खोल के सुन ले, इलेक्शन खत्म होने के पहले दिखाई मत देना नहीं तो गाड़ दूंगा। भाई मैं दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन मेरे घर वालों को क्यों अनाथ बना रहे हो? चल निकल। आज जाता हूँ भाई जी की। अरे सारे पेपर में उसकी न्यूज़ है। ए नागा, पूरे प्रदेश में प्रजावाणी, वसंती प्रभा, आकाशवाणी, ये वाणी वो वाणी, हर जगह पेपर में तेरी ही चर्चा है। तो यार इस बार तू ही जीतेगा। सर जीत ही नहीं,
लीड से जीतूंगा। yes. हमारे अपोजिट कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसे जीतूंगा मैं। नागू, अगर तुम्हें जीतना है तो यंग जनरेशन को अपने साथ लेना होगा। सिंपैथी वोट, ऐसा क्यों? देखो, हम में से किसी ना किसी को मरना होगा। सच में मरना होगा? उसे देखो, अगर उसे मार दिया तो तुम लोगों को सबकी सिंपैथी भी मिल जाएगी और वोट्स भी मिल जाएंगे। करेक्ट। ये क्या है? संसार में लोग कहते हैं कि दोस्ती में लोग जान दे देते हैं, लेकिन तू मुझे ही मारने का प्लान बना रहा है। ए सुंदर, ये पहन। क्या लग रहा है मेरे भाई? मेरे भाई, तू बुरा मत मानना, हमें तेरी जान नहीं चाहिए। ये हाथ दे दे या ये पैर दे दे, ये हमारे लिए बहुत है यार। सुंदर, कूल होकर कोल्ड ड्रिंक पीकर डिसाइड कर। अबे खाली डब्बों की औलाद, इलेक्शन होने तक तुम लोग मुझे कुछ भी दोगे, काली माँ की चरणों की कसम कुछ भी नहीं पीऊंगा। छोड़, जाने दे। एटलीस्ट हमारा रवि तेजा चाहे तो मैं अपनी जान दूंगा तुम्हारी भैंस की आंख में। जान दूंगा। क्या हुआ जी? मैं आज इतनी जल्दी जा रहे हैं? आज इलेक्शन है ना, सोचा बेटे को वोट डालता हुआ ऑफिस चला जाऊंगा। वैसे तो अक्सर लड़ते रहते हैं। सब छोड़ो, बाप बेटे का झगड़ा कोई मायने नहीं रखता। पहला वोट मैं ही डालूंगा उसे। हाँ जी। और हाँ, तुम भी वोट डालना मत भूलना। पता है मुझे। वोट डालना तो गाड़ी में बैठ जाओ, वही जा रहा हूँ। हाँ, चलो चलो। हमें तेरी लिफ्ट नहीं चाहिए, हम ऑटो से जाएंगे या पैदल। अरे सुना, हम अगर ऑटो से जाएंगे तो बहुत खर्चा होगा, समझा? तेरे पास है पैसे? है क्या पैसे? चल 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 अंदर चल। ए चल, ए चलो 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 अंदर चलो। अरे चलो। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चंदू, ये हम कहाँ आ गए यार? अरे ये क्या है, पोलिंग बूथ बोल के हमें तू यहाँ कहाँ ले आया? हा? तुम तो कह रहे थे तुम्हें सारे रास्ते पता है। इसीलिए तो सही जगह लाया हूँ। किसके कहने पर किया? पता चल जाएगा, टेंशन मत ले। चल रहे छोटी सी बेवकूफी से सारा वोट वेस्ट हो गया। तुझे मिलने वाले वोट में से 15 वोट कम हो जाएंगे। अरे फिर भी पक्का तू ही जीतेगा यार। सच में ना? मेरे चश्मे की कसम। अरे तू मजाक मत कर, सच बता। अरे सुन तो यार, इलेक्शन के टाइम पे जेल में कौन थे जरा बताना। राम गोपाल वर्मा, जॉर्ज फर्नांडिस। हाँ। अरे वो नहीं जीते क्या? अरे एमजीआर जब हॉस्पिटल में थे तब भी तो जीते थे। मेरे भाई तू भी बहुत पॉपुलर हो गया है, तू ही जीतेगा। सब लोग अपने काम पे लगे है ना, काम करके अपनी तैयारी में लगे हैं गुरु। वोट डालने से पहले वोट डालने जाओ। अरे जा ही रहे गुरु। चल चल अंदर चल। अब क्या करें? छोड़ जाने दे, मेरी माँ मुझे वोट देने वाली नहीं थी, मैंने किडनैप कराकर और 3 वोट खराब कर दिए। हेलो, अबे बेवकूफ, मेरे मम्मी पापा को किडनैप क्यों किया? हाँ, तूने 5,000 दिया ड्रामा करने के लिए, उसने 10,000 दिए किडनैप करने के लिए। ए तू क्या कर रहा है? हाँ ए चुप रहे चुप रहे। हेलो, ए ए ये सब क्या हो रहा है? वो तुम लोग कोई बुरा मत माना, हाँ ये किडनैपिंग वाला खेल उसका नहीं है। तेरा था। अरे यार, तुम्हें कहा था कि सिंपैथी से वोट मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि हम किडनैप हो जाएंगे और सिंपैथी के बहाने हमें बहुत सारे वोट मिल जाएंगे। 3 घंटे के बाद देखना, हमारा प्लान जो है ना पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। अरे नागू, उधर देख यार। What's going on here? देख लिया, सब लोग यहाँ पर आ गए, अब हमें क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुमका है। इस टाइम पर ये सब करना ठीक है क्या? अरे अजीब आदमी है यार ये लोग। हाँ
साला। हमारे किडनैपिंग की बात पूरे शहर में फैला दो समझे, और हमारे एरिया के भाई को बाहर ले आओ। हमें लालच की औलाद हो, तुम्हें इलेक्शन में खड़ा होने के लिए किसने कहा? अबे अगर तुम लोग जीत भी गए तो इस देश में क्या कर लोगे हैं? तुम लोग नहीं जीतोगे। हेलो 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 यार, मेरी बाई आंख फड़फड़ा रही है, मुझे लगता है कि तू पक्का हार जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो नेत्रावती की औलाद है ना, वो हम सबको ले जाकर अंदर बंद कर दिया। उनके अलावा और कौन थे जो हमें वोट देने वाले थे? पुनीत राजकुमार, दर्शन, सुदीप, छोटा गणेश, दुनिया विजय, रोजमाला, इन सभी अभिमानियों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। वो लोग 100% वोट जरूर करेंगे और हमारा नागू ही जीतेगा। दे ताली। दे, प्यार दे, प्यार। अरे नागा, तेरा जूता मुझे टच हो रहा है। तुझे पैर टच हो रहा है ना? अरे तो दूर हो जा, चल दूर जा, हट। अच्छा सिला दिया। अरे यार क्यों ऐसे तू जा रहा है? ए सुंदर, आज तू जा रहा है, हाँ कल इससे मिलने के लिए तुझे मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी होगी, समझा? समझा। ये अनएजुकेटेड ब्रूट्स को मेरी वैल्यू क्या पता चलेगी? कल मैं इलेक्शन जीतने के बाद क्या बनूंगा? कॉर्पोरेटर। उसके बाद एमएलए। उसके बाद एमएलए। उसके बाद सीएम। सीएम बनने के बाद बेस्ट पीएम मोदी जी तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे घर आएंगे, समझे? क्या वो मेरे घर आएंगे? पवन कल्याण के घर जा सकते हैं तो तुम्हारे घर नहीं आ सकते क्या? हाँ। और अगर तुमसे कहे कि मेरे पार्टी में शामिल हो जाओ? मैं मिल जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल मत करना, हमारी लेवल को हमें मेंटेन करना चाहिए, समझे? यस। अरे इस कॉर्पोरेशन चुनाव का परिणाम, अरे यार सुन, रिजल्ट अनाउंस हो रहा है यार। वार्ड नंबर 24 के उम्मीदवार 3600 वोटों से जीत गए हैं। ये नंबर 24 वार्ड का कैंडिडेट जीता है, तुम्हारा 25 है, तुम हार गए हो। हाँ यार, ना वो ये 25 वार्ड है यार। हाँ यार। अरे यार हम लोग हार गए यार, ये क्या हो गया? अरे 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 क्या उसको समझ? अरे चल उठा इसे, चल उठाता हूँ। नहीं नहीं हाँ हाँ तो क्या क्या हुआ नागू? अरे होश में आ जा। क्या रे, पहचान रहा है ना? अभी तुम लोग पॉलिटिक्स में छोटे बच्चे हो, इलेक्शन के टाइम कलेक्शन शुरू हो जाता है, नोट है तो वोट है, यही राजनीति है। दोबारा हमसे पंगा लिया ना तो इसी चौपाल में काट के फेंक दूंगा। भाई घूर रहा है। घूर क्यों रहा है बे? घूरेंगे तो क्या कर लेगा बोल? अरे बोल, अगर मेरे टाइगर का दिमाग खराब हुआ तो तुम सबका सर लुढ़का देगा। टाइगर कौन है वो? ए चल बता। और काले सांप का रंग, उसके हंसी के पीछे का गुस्सा, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, समझा क्या? अगर दिमाग सटक गया तो तुझे जला कर रख। कौन है बे वो? तू टाइगर है क्या? नहीं नहीं, मेरी माँ की कसम भाई, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ। क्या कहा? शरीफ हो? अरे नहीं 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 भाई, वो शरीफ नहीं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनोसेंट। हमारा टाइगर गिरगिट की तरह कितने रंग बदलता है पता है तुझे? अबे मेरे बच्चे को अनाथ क्यों करना चाहता है? मैंने क्या किया? ये लोग मुझे तोड़ देंगे। बहुत शरीफ है। मुझे मार खाते देखकर वो लोग कैसे हंस रहे हैं, जरा देखो तो। हमारे साथ कॉमेडी कर रहा है, तुझे मारूंगा ना तो दर्द वहां होगा। ये क्या कर रहे हो भाई? आप सिर्फ मुझे धो रहे हो, उन्हें कुछ नहीं कर रहे, ये कैसा वसूल आपका? तू मुझे वसूल की बात सिखाएगा? अभी भी कुछ बाकी है। Ah!
हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है? पकड़ो इसे। नहीं, ये तो फोटो है, ये भी फोटो है क्या? कोई तो मुझे सीधा कर दे। ए भाई, मुझे जरा एक फाइट मार देना। लगता है पागल हो गया है। ए भाई, तुम्हें तो सीधे ऊपर जाना चाहिए। क्यों? वो भी मैं ही बताऊं क्या? आपस में क्यों लड़ते हो? दिखा। नागू? नागू? क्या हुआ? मैं हार गया। मेरे अंकल ने मुझे वोट नहीं दिया, इसलिए हार गया। ये सब दिखावा तू किस लिए? नागू, तुम्हारी जीत के लिए हम सुबह से उठकर पूजा कर रहे हैं। सबसे पहला वोट मैंने जाकर तुम्हें दिया। पढ़ाई को आधे में छोड़ दिया, बोला दुबई में बिजनेस करूंगा। उसके लिए 2 लाख रुपए दिए, जबकि 1 रुपया वापस नहीं आया। बोला इसी गांव में फाइनेंस का धंधा शुरू करना है। अपने पीएफ और ग्रेचुटी अकाउंट से लोन लेकर 3 लाख रुपए तुम्हें दिए। जिन्होंने तुमसे कर्जा लिया था, तुमने बोला कि वो भाग गए और ऑफिस भी बंद कर। अब ये सब नहीं करूंगा, फैक्ट्री में काम करूंगा, ऐसा बोला। काम करके 2 महीने के अंदर ही तुमने इस फैक्ट्री में ताला लगवा दिया। 2 सालों से राजनीति करूंगा कहता था। मैंने मना किया कि इन सब चीजों में मत पड़। अब देख लिया ना, आखिर तू करना क्या चाहता है? या फिर ये बता दे कि मैं तेरे लिए क्या करूं? जब तक मेरे में ताकत है, रोटी खिलाता रहूंगा। लेकिन मेरी भी उम्र होती जा रही है, 5 मिनट से ज्यादा खड़ा होना मुश्किल होता है। 30,000 रुपए के पगार में 25,000 घर के खर्च में निकल जाते हैं। तुम्हारा आगे क्या होगा मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। नागू, मेरी बात पर जरा विचार करके देखना। ये सही कह रहे हैं बेटा। नेक्स्ट इलेक्शन आने दो, जीत कर दिखाऊंगा।
जी सुनिए ना, कॉफी लीजिए। नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं है। क्यों जी, चंद्रा की याद आ रही है? मैं क्या बताऊं, जब ऐसी औलाद होगी तो मौत के सिवा खुशियां कभी नहीं मिलेंगी। मेरा भी हाल यही होगा। इस तरह घुट घुट कर मरने से अच्छा है एक ही बार में मर जाऊं। माँ बीच में क्यों खड़ी हो? एक मिनट मेरी बात सुनो। सबके अरमान जलाकर तुम कौन सा पहाड़ तोड़ना चाहते हो? बाप की कमाई को आराम से जिंदगी भर खाऊंगा यही सोचा है क्या? ए, मैं तुझे अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। सब कुछ अपनी बीवी और बेटी के नाम कर तुझे रोड पर भीख मांगने के लिए छोड़ दूंगा। ए, ना ही तुम्हारी जायदाद चाहिए ना ही तुम। क्या कहा? निकल घर से मेरे। क्या समझता है अपने आप को तू? क्या कर रहे हो? बच्चों की रोटियां खिलाने चले ताने मारते हो? हाँ, अरे जिंदगी भर ताना दोगे क्या? मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हो। क्या कहा तूने? हम बाद में ले जाएंगे। ए सुखा, मैंने आज तक तुम लोगों को कितनी खाली बोतलें दी हैं? क्या अब तुम मुझे खाली बोतलें लाकर दोगे? मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूँ। ठीक है, आज के बाद किसी और को नहीं देंगे, तुम्हें ही देंगे। चलता हूँ। थैंक्स। हाँ माँ। नागा, रेलवे ऑफिस से फोन आया था। हाँ। तुझे जल्द से जल्द स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर ज्वाइन करना है। ठीक है माँ। ए चंदू सुंदर। हाँ? क्या, क्या हुआ? मेरे पापा का काम मुझे मिल रहा है यार। अरे क्या? हाँ? हाँ? अरे यार, ये तो खुशी की बात है यार। कावेरी एक्सप्रेस पास हुई, ओवर। नागो, तुम्हारे पिता अगर रिटायर्ड होते तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, लेकिन एक बात तो सच है, तुम्हारे पिता की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, आत्महत्या थी। तुम ही सोचो, 3 मीटर दूर से दिखाने वाला फ्लैग उतना नजदीक जाकर दिखाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे फ्यूचर का डर उन्हें निगल गया। वो तो हमेशा कहते थे मेरे बच्चे को कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो उसकी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। मैं हूँ यार,
कुछ खास नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ एक हफ्ते के लिए मलेशिया घूमने जा रहा हूँ। अब मैं अपनी लाइफ को सब कुछ भुला कर बिंदास एंजॉय करना चाहता हूँ। ये लो पापा, आपका जो कर्जा है उसका ये पहला इंस्टॉलमेंट है, बाकी का मैं हफ्ता हफ्ता करके दे दूंगा। मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए। क्यों, घर बैठ के खा रहा है हराम का खा रहा है ये बातें सुनने के लिए? अब मैं किसी को ताना नहीं दूंगा। ताना देकर मैं अपने आप को दुखी क्यों करूं? मैंने सोच लिया, मेरी बीवी और मेरी बेटी किसी के सामने एक रुपए के लिए भी हाथ ना फैलाएं, इसलिए मैंने उनके नाम फिक्स डिपॉजिट कर दिया, इंश्योरेंस करवा दिया, बेटी की शादी के लिए बहुत सारे गहने बनवा दिए हैं। ये सब सुनकर तू तो यही सोच रहा होगा कि ये सब कुछ मेरे बाप ने या फिर मेरे पुरखों ने दिया होगा। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ मैंने दिन रात मेहनत करके पसीने बहा कर कमाया है। अनाथ थे मेरे बाप, जिन्होंने सिर्फ 750 रुपयों के लिए जमीन गिरवी रखा था। उसे चुकाने के लिए जब मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी, खेलने कूदने की उम्र में मैंने दिन रात कड़ी मेहनत किया, अपने अरमानों का गला घोटकर, भूखे पेट रहकर, क्या क्या जतन करके मैंने एक होटल बनाया, जिस होटल ने हमारे परिवार को संभाला। जब उसे संभालने के लिए तुझसे कहा तो तूने क्या कहा? हाँ, मैं होटल का बिजनेस करूंगा, यह कहकर तूने मना कर दिया। जब जब मैंने तुझे डांटा, तुझे क्या पता कि मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। बड़े बुजुर्गों की बात तो कड़वी होती ही है, तूने मेरी हर सीख को हमेशा गलत ही समझा। बचपन में जब तू हंसता था तब मैं तेरे सामने तुझे देखकर नाचता था और तू हंसता था और फिर कहता था, जरा देखो पापा तो बंदर की तरह नाच रहे हैं। लेकिन तब मुझे तेरी किसी बात का बुरा नहीं लगता था, जानता है क्यों? मैं हमेशा तुझे हंसते हुए देखना चाहता था, यही मेरा सपना था। और आज भी मैं जोकर के जैसा ही नाचता हूं, पता है क्यों? आज नहीं तो कल हो सकता है तुझे होश आ जाए और तू एक जिम्मेदार इंसान बन जाए, इसी उम्मीद पर। ये लो, इसमें से 100 रुपए निकालकर दुकान से चावल लाकर अपनी माँ को दे दो, वो खाना बनाएगी, पेट भर कर खाना, बहुत सुकून की नींद आएगी। जानते हो क्यों? इन पैसों को तुमने अपना पसीना बहाकर कमाया है। ये लो, अब पूरे गांव वाले तुझे बंदर कहें, भंगार वाला कहें, कॉमेडियन कहें या विलन कहें, बट आई डोंट केयर। उन लोगों के सामने अब मैं सिर उठाकर चलूंगा। इन पैसों से तुम अपना बिजनेस शुरू करो। गुड टाइम स्टार्टेड।